मेरे पास तुम्हारा बैग है और मैं तुम्हारे घर के सामने से गुजरूंगा, तो मैंने सोचा तुम्हारा बैग मैं तुम्हें लौटा दूं। क्या तुम घर पे हो अभी? नहीं, मैं तो थोड़ा काम से बाहर हूँ। तुम कल पार्क में आ जाना, मैं और श्री वही रहेंगे। अच्छा, श्री भी होगा? हाँ। अच्छा ठीक है, लौटा दूंगा। हाँ, वही पे। बाय बाय। ठीक है। तू बता, मेरी तबीयत बहुत खराब है। क्यों? क्या हुआ? कोल्ड हो गया है। अरे, बहुत बुरा हुआ। लाइन तो बहुत अच्छा चल रहा है हम लोगों का। बहुत अच्छा चल रहा है। मुझे लगता है कि वो जिद फील कर रहा है। तुम्हें लग रहा है? ओह माय गॉड, मुझे भी। तुमसे बात हुआ उसका? नहीं, कुछ ज्यादा नहीं हुआ। ऐसा नहीं, वो आज आएगा ना तुम्हारे साथ मीट करने, बैग देने के लिए। ओह माय गॉड, प्लान बहुत अच्छा चल रहा है। उफ, मुझे जो खुशी मिल रही है ना उसे जलाने में। एक्चुअली मैं अपने सौतन को जला रही हूँ। फिर भी यहाँ पे आएगा ना वो? हाँ, यहीं पे तो बोला है। ओह माय गॉड, ही इज कमिंग। आ रहा। ओह माय गॉड, हमें देख के पीछे जा रहा है। देखो, अच्छा मैं बुलाती हूँ। ऋषि, हम लोग इधर है। हाँ, अब देखो जल रहा है उसका मुंह तो देखो। आइए। क्या यार, इतना ड्रेसअप क्या डेट पे गया? भूल गया तुम्हारा बैग मेरे पास ही था। हाँ, भूल गया था। बैग बैग क्यों छोड़ के आए, मुझे ये नहीं पता। पता नहीं, वो अच्छा तुम्हारे साथ था ना तो भूल गया। तुम दोनों के ढूंढ रहा था तो मेरे साथ रहेगा तो भूल जाएगा। मैंने सोचा पिछले दिन मैंने देखा था तुम दोनों को, उस दिन ही लौटा दे रहना चाह रहा था, लेकिन किस दिन तो बात कर रहे थे रोड पे, तो क्या हुआ? तो आके दे देता। डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। डिस्टर्ब क्यों करोगे? यूं ही मैंने सोचा, वो मेरा कॉल था। हाँ, तुम कुछ ज्यादा ही सोचने लगे। ये नॉर्मल ही है, कोई भी देखेगा वही सोचेगा। व्हाट, क्या है? कुछ नहीं, लेट इट बी। तो प्यार कर, सुनो ना, इन्हें बनाया है। बनाया मतलब? अरे तुमने जो प्लान दिया था ना मुझे, वो टिप्स सुना मैंने ना तुम्हारे लिए। एक्चुअली सब हम सबके लिए कुछ बनाया। हाँ, बताई तो उसके लिए फिर बनाया। नहीं, हम सबके लिए। क्या 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 है? पास्ता। पास्ता? हाँ देखो। माय गॉड, व्हाट, एक मिनट में ओपन करती हूँ। वाओ, अच्छा क्या है? रेड मैकरोनी है? हाँ। रेड मैकरोनी क्यों लाए? उसे थोड़ा प्रॉब्लम है रेड मैकरोनी से। नहीं, मुझे लगा उसे पसंद है। क्या हुआ, तुम्हें कुछ प्रॉब्लम? हाँ तो तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड है, इसका मतलब कि तुम्हारी पसंद का ही खाएगा। अरे नहीं, तुम नहीं समझ रहे हो, सभी समझ सकते तो हो ही जाता ना। क्यों, क्या हुआ ईशान? ओ माय गॉड, जो सोचा था वही हुआ। व्हाट, क्या हुआ? ओ माय गॉड, मैंने तुम्हें बोला था कि मत खिलाओ, मत खिलाओ, मुझे क्या एलर्जी है तुम्हें मैंने बताया। दो दिन आकर तुम खुद को समझते क्या हो? तुम सब कुछ जान चुके हो, उसका पसंद नापसंद। तुम क्या कुछ ज्यादा ही समझते हो उसके बारे में? मेरा बेस्ट फ्रेंड है, मुझे पता होगा। मैंने तुम्हें पहले ही टोक दिया था कि मत दो मत दो। देखो उसके एलर्जी, अब कौन उसके मेडिसिन भी नहीं लाया उसके साथ। तुम क्या समझ रहे हो, खाना बना के खुद के हाथों से खिला दोगे तो वो इम्प्रेस हो जाएगा? Are you okay?
अरे मैं ठीक हूँ, पर ये क्या किया तुमने? ये क्या हुआ है तुम्हें पूरा? तुम छोड़ो, क्यों मेडिसिन लाओ क्या? मैं नहीं, कुछ लाने की जरूरत नहीं है, वो खुद अपने हाथों से बना के ले आया था खाना मेरे लिए। तो क्या हुआ, वो तुम्हें एलर्जी था ना इससे? उसका तबीयत खराब है और ऊपर से हम लोगों के लिए खाना बना के ले आया था। क्या हो यार, तुम इंसानियत भी नहीं है तुम? हाँ तबीयत खराब है उसका, तो फिर एक्चुअली मुझे पता नहीं। तुम क्या करते रहते हो? मैंने सिर्फ तुम्हारे बारे में ही सोचा। पर तुम एक लड़की को ऐसे बोलोगे? इंसानियत भी नहीं है। हेट यू यार, हेट यू। अरे कहाँ जा रहे हो? जब भी मैं ईशान के बारे में कुछ अच्छा सोचता हूँ सब कुछ बुरा ही जाता है। मैं तो उसके लिए अच्छा ही सोचा था, कितना घटिया बेस्ट फ्रेंड हूँ मैं। ईशान, मैं तुम्हारा चाइल्ड बेस्ट वाला बेस्ट फ्रेंड था, तुम मुझे समझ नहीं पाए। एक नए लड़की के लिए तुमने मुझे हेटी बोल दिया। हाँ शायद मुझे ट्राई करना ही छोड़ देना चाहिए, मुझे ट्राई नहीं करना चाहिए। शायद सच में वो दोनों एक दूसरे को प्यार करते हैं, लेकिन मैं क्यों हर्ट हो रहा हूँ? मुझे तो मुझे तो खुश होने का भी हक नहीं है, मेरी किस्मत ही खराब है। आई प्रॉमिस आज से मैं तुम दोनों को कभी नहीं मिलूंगा, कभी नहीं हर्ट करूंगा, मैं दूर चला जाऊंगा तुम दोनों से, मैं बोझ हूँ तुम दोनों के लिए।